अखिल भारतीय धोबी महासंघ की बैठक मीना बाजार में की गई। बैठक में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश बैठा सहित संघ के देवघर जिला के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। बैठक में समाज को एकजुट करने संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में दलितों के साथ हो रहे अन्याय व शोषण के विरुद्ध धोबी समाज एकजुट है। उन्होंने धोबी समाज से आह्वान किया कि वे लड़का लड़की में भेदभाव न करें व दोनों को शिक्षा के समान अवसर दें। देश के देवघर जिला के मधुपुर में हो रही है इस बैठक का उद्देश्य है हमारे माँ बहनों का मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने को लेकर, अपने समाज को एकजुट करने को लेकर, जो अत्याचार अभी पूरे देश में अनेकों दलितों आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों एवं सभी समाज के साथ हो रही है, उस अत्याचार को अपने समाज में ना हो, इसको लेकर एकजुट करने के लिए आज की हम लोग की बैठक मधुपुर में हमारे जिला अध्यक्ष उमेश रजक जी के अध्यक्षता में हो रही है। आज की बैठक में हमारे साथ गिरिडीह से चलकर आए हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष दिनेश रजक जी, हमारे साथ प्रदेश महासचिव दीपक रजक जी, बद्री रजक जी, बैजनाथ रजक जी, राजेश रजक जी और हमारे जिला सचिव बिलास रजक जी एवं महेंद्र रजक जी और हमारे सभी माताएं बहनें आज की बैठक में उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग यह एक संकल्प लेने जा रहे हैं कि हमारे माताएं बहनें के साथ अगर किसी भी तरह का कोई भी घटना होती है, कोई भी शोषण अगर कोई करता है, तो अखिल भारतीय धोबी महासंघ चुप नहीं बैठेगा। अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। यह संकल्प मधुस्थली विद्यापीठ गेट प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 साइंस कॉमर्स एंड आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब